तो हेलो टीम गबरू, जैसा कि आप देख सकते हो आज मैं आया हूँ प्लैटिनम के पूरा जो जो कंपनी। तो आज जो हमारे अब मेन गेस्ट हैं जिनसे मैं आपको सच में स्पेशली मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली उनसे मिलवाने का पर्पस मेरा यही है क्योंकि वो एक आगे मतलब एक उभरते हुए सितारे हैं इस गेम के अंदर, जिनको ज़्यादा लोग अभी जो है उस तरीके से नहीं देखते हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट क्लिप देखा तो मैं समझ गया था कि यार इस बंदे में बहुत दम है और मुझे ज़रूर इनसे मिलना है। तो मैं आज उनसे मिला हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं आपको भी मिलवा रहा हूँ ललित भाई से। तो ललित भाई, वेलकम टू गबरू फिटनेस भैया। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भैया मुझे आपकी फिजिक बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल में, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और सभी साथियों को बताओ कि भैया आप जो है वो इस लाइन में कब आए और आपने कैसे स्टार्ट किया। हेलो सचिन भाई, हेलो सभी भाइयों को। भाई मैंने अपना गेम 2012 से स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे पहले तो ऐसे ही स्टार्ट किया था नॉर्मल, फिर धीरे धीरे जब बॉडी वॉडी इम्प्रूवमेंट हो गई तो सप्लीमेंट भी लिया, ऐसा नहीं है। फिर मैंने ये मुझे गुरुजी मिले 2022 में, मैंने इनके पास स्टार्ट किया था जनवरी से। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि शेरू क्लासिक आ रहा है मिस्टर ओलंपिया, उसकी तैयारी कर ले, बॉडी अच्छी है। तो भाई मैंने फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसे ऐसे, मैंने चलो ठीक गुरुजी, ऐसा आपको बोल आप बोलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं था, बॉडी मैंने पहली भी अच्छी कर रखी थी, डाइट वाइट अच्छी ली थी, एक शौक था उस टाइम पे। तो आपने पहला अपना कंपटीशन जो था वो कब खेला? मैंने 2022 में खेला लास्ट ईयर, जिसमें आपका मैंने देखा था एक आपने बिग फिट क्लासिक खेला। हाँ, और एक एमेचर ओलंपिया तो खेला था। उसमें क्या क्या रैंक रही थी? मेरी एमेचर ओलंपिया में 5वीं रैंक थी। अच्छा, फर्स्ट हाँ, टाइम में? फर्स्ट टाइम में मैं कभी एक छोटे से स्टेज पे नहीं चढ़ा। अच्छा, पहली बार उस स्टेज पे चढ़ा था। ओके, ठीक है जी। और बिग फिट क्लासिक में मेरी तीसरी थी। बिग फिट क्लासिक में थी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आगे जो आपकी प्लानिंग है वो हम रुद्र भैया से बात करके पूछेंगे। हाँ, क्या आपका प्लानिंग चल रही है? जी 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 रुद्र भैया, बिल्कुल अब आपको मैं बिल्कुल ये अब मैं आपको और चीज़ बता दूं। देखो, हर बंदा खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम से ही होता है, चाहे वो आप उसे गुरु बोलते हैं चाहे आप उन्हें अपना कोच बोलते हैं। तो जो ललित भैया को ट्रेन कर रहे हैं वो है हमारे रुद्र भैया हैं। तो इनसे भी इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने कब स्टार्ट किया और इनकी मुलाकात ललित भैया से कैसे हुई। तो और ललित भैया के जो आगे आने वाले प्लान हैं, क्योंकि ये मेंस फिजिक में खेलते हैं और अभी आपको मैं फोटोज़ भी दिखा दूंगा कि किस तरीके की इनकी करंट स्ट्रक्चर है, और जल्दी ही नई वीडियोस भी डालूंगा इनके साथ में वर्कआउट की, क्योंकि ये भैया भी हमारे साथ प्लेटिनम में जुड़ चुके हैं। तो इनकी बहुत सारी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर या मेरे साथ आपको मिलती रहेंगी। तो रुद्र भैया, वेलकम टू गबरू फिटनेस। अब आप मुझे बस बढ़िया आप मुझे बताओ कि अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अब ललित भैया के आने वाले प्लान्स के बारे में बताइए। मेरा यार, मैं लास्ट 7-8 साल से इंडस्ट्री में हूँ। पहले खुद कम्पीट भी किया मैंने, बॉडी बिल्डिंग शोज करे हैं, बट आफ्टर दैट फिर मैं 2018 से मैं कोच कर रहा हूँ लोगों को। एंड अबाउट ललित, ललित मेरे को मिला था 2022 में ही मिला था, और सितंबर में मेरे पास आया था। तो जब मैंने इसका फ्रेम देखा तो आई वाज शॉक कि इतना अच्छा जेनेटिक है और ये अभी तक मतलब एक छिपा हुआ हीरा था ये। तो हमने इसके ऊपर फिर काम किया, इसको अप्रोच किया शेरू क्लासिक के लिए, एमेचर ओलंपिक के लिए अप्रोच किया था जो कि मुंबई में लास्ट ईयर हुआ था। उसकी प्रेप हमने की थी, विद इन 2 मंथ्स 2-3 मंथ्स हमने फिजिक रेडी करी थी। एंड इसकी जो फिजिक थी इट वाज फिनोमिनल, मतलब नेक्स्ट लेवल फिजिक थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आप फिजिक रेडी कर ले तो, बट कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते जो आप रेडी नहीं कर पाते, जैसे इसकी पोजिंग थोड़ा इतना हम इम्प्रूव नहीं कर पाए थे, दैट वॉज बेसिक, जहाँ कुछ पॉइंट्स कट हुए थे और उसी की वजह से थोड़ा प्लेसिंग पीछे हो गई थी, अदरवाइज ही वॉज इन टॉप 3। हाँ, देन उसके बाद वहाँ पे हमारा 5th प्लेस हमने सिक्योर किया था। एंड आफ्टर दैट फिर हमने बिग फिट खेला, उसका प्लान भी नहीं था, वो हमने ऑफ ले लिया था, बट सडन अनाउंसमेंट हुआ कि दिल्ली में कोई शो हो रहा है, तो इट वॉज यू नो क्लोज टू आवर होम टाउन, तो हमने वो प्लान किया और विद इन 20-30 डेज हमने फिर से फिजिक रेडी करी। एंड वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया पोजिंग में भी और फिजिक वाइज भी, और वहाँ पे हमारा 3rd प्लेस सिक्योर हुआ था। ये था। तो अभी आगे के प्लान बताओ। आगे का प्लान ये कि अभी हमने रेस्ट लिया था, बॉडी को फिर से जो ऑर्गन्स और हार्मोन्स उनको सेटल करा, और अभी हमने प्रेप फिर से स्टार्ट करी है। अभी इसका 3rd वीक है प्रेप का, और अभी फिर से हम जा रहे हैं मुंबई, और बिग फिट भी हमारी लिस्ट में है। पहले बिग फिट होगा, बिग फिट प्ले करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस एमेचर ओलंपिया मुंबई, ये हमारे दुआ इस बार विल ट्राई कि टॉप प्लेसिंग हम वापस लें। हाँ,
तो जैसा कि अभी आपने देख लिया, अब आपको प्लैटिनम न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर ललित भैया से रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। मैं इनके साथ वर्कआउट की भी बहुत जल्दी प्लानिंग करूँगा कि इनका टाइम शेड्यूल से हिसाब से हम इनके साथ कुछ और टेक्निक सीखें, जैसे कि ये फिजिक खेलते हैं और मुझे भी बहुत शौक है मेंस फिजिक का, तो इनसे ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं अगर आप भी मेंस फिजिक में खेलना चाहते हो। तो इस तरीके की वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।